करीब 450 सालों के बाद आखिरकार अकबर के किले से आजाद हो गया अक्षयवट। इस साल मकर संक्रांति से कुंभ मेले में आने वाले लोग इसका दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि प्रयागराज में संगम के किनारे अकबर का किला है, इसी के अंदर अक्षयवट और सरस्वती कूप है। हिंदुओं के लिए ईश्वर का प्रतीक बरगद के इस पेड़ के दर्शन से श्रद्धालु अब तक वंचित थे। लोग इसके दर्शन कर सके इसके लिए मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक लड़ाई चली, जिसके बाद आखिरकार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के कारण रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से अब यह लोगों के लिए खोल दिया गया है। किले के अंदर सरस्वती कूप के बारे में कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी गंगा यमुना में मिलती थी। बता दें कि इस किले का प्रयोग भारतीय सेना करती है। सर्वप्रथम तो इलाहाबाद के पौराणिक महत्व को देखते हुए और जन भावनाओं के आधार पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज घोषित किया गया। दूसरा, वहां पर एक इलाहाबाद फोर्ट है, दुर्ग है, जिसमें अक्षयवट है, जो कहते हैं कि अनंत से यह वृक्ष है और बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है। और सरस्वती कूप है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम है। लेकिन क्योंकि यह हमेशा सेना के अधीन रहा, पहले मुगलों के, फिर ब्रितानियों के और अब भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, तो इस वृक्ष का और कूप का दर्शन किसी भी श्रद्धालु को नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री जी ने 15 जनवरी को इलाहाबाद पधार कर गंगा पूजन कर जहाँ कुंभ के आगाज का उन्होंने ऐलान किया, वहीं उन्होंने इस दुर्ग में इलाहाबाद के फोर्ट में जो वृक्ष है और जो सरस्वती कूप है उसको आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने का भी निर्णय किया, घोषणा कर दी। तो पहली बार 450 साल में ऐसा होगा कि इस कुंभ में लोग इस अक्षयवट का और सरस्वती कूप का दर्शन कर सकेंगे।